डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब वेव थ्योरी क्यों फेल हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, रूल ऑफ या लो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया था, उन चीज़ों को ये वेव थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो क्या क्या फेलियर थे? तो इसके मेजर तीन फेलियर्स थे। तो फर्स्ट फेलियर ये था कि वेव थ्योरी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वेव के एम्पलीट्यूड के या उसकी एनर्जी के। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अगर अपनी जो लाइट है, मान लो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, इससे लाइट वेव एमिट होती है, एक कोई लाइट वेव है, तो वेव थ्योरी ये कहती है इस लाइट की जो एनर्जी होगी वो इसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वेव में, उतनी ही उस वेव में एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखो कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। तो इस थ्योरी का, ये कोई मेटल सरफेस है, तो इस थ्योरी का ये कहना था कि भाई ये कोई लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट वेव लाइट आती है यहाँ पर, उस लाइट की इंटेंसिटी को आप इंक्रीज कर दो जिससे उस वेव की में जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही एनर्जी इंक्रीज होगी और ये एनर्जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस में उनको मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होना स्टार्ट कर देंगे। और जितनी ज़्यादा एनर्जी की लाइट आएगी, मतलब जितनी इंटेंसिटी की लाइट आएगी, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा हो जाएगी, तेजी से वो दौड़ेंगे निकलने के पश्चात। क्लियर है कि नहीं? बट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा था कि इंटेंसिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। और वेव थ्योरी का ये कहना है कि भाई ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है कि नहीं? जबकि रियलिटी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। क्लियर है? तो फर्स्ट फेलियर था वेव थ्योरी का। सेकंड फेलियर ये है, वेव थ्योरी का कहना ये है कि भाई मान लो ये इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, देखो इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर निकलने के लिए वर्क फंक्शन के इक्वल यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है उसको बाहर आने में सरफेस से। तो उनका कहना ये था कि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाओ तो इसकी वेव की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और उस एनर्जी के इंक्रीज होने से अगर एनर्जी इतनी हो गई ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ सके, तो फिर फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है इसमें। फ्रीक्वेंसी लाइट की कुछ भी हो, आप तो उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो, और जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज होने से ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा यहाँ से। इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। बट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा है कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से के इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट होते ही नहीं है, इंटेंसिटी कुछ भी हो। क्लियर है? तो ये सेकंड फेलियर था वेव थ्योरी का। थर्ड फेलियर ये है, वेव थ्योरी ये कहती है कि जैसे मान लो इस लाइट सोर्स से लाइट आती है और वो लाइट जो है सपोज दैट इतने एरिया को इल्यूमिनेट करती है, इतने एरिया में ये लाइट आती है, तो इस एरिया में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टोर करके फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। मतलब ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे लाइट आने के बाद, उनको कुछ टाइम लगेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि ये जो लाइट है इस पर्टिकुलर रीजन में आएगी जिसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी लेने में कुछ टाइम लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो
उनको बाहर निकलने में भी कुछ टाइम लगता है, बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रूल्स हैं उसमें हमने ये पढ़ा था, जैसे ही मेटल सरफेस पर, ये मेटल सरफेस है, इस पे जैसे ही सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिडिएटली एमिट्स हो जाते हैं, उसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है। क्लियर है भाई? तो ये तीन फेलियर हैं वेव थ्योरी के, इस वजह से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर है? दोबारा से एक बार देखते हैं। पहला फेलियर ये था वेव थ्योरी का। वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट की जो एनर्जी होती है, लाइट वेव की, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है या एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी वेव में, और ज़्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉनों को भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे ये निकलने के बाद तेज़ी से भागेंगे, मतलब इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। बट रियलिटी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट इज फर्स्ट फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। सेकेंड फेलियर ये था कि इनका कहना ये है वेव थ्योरी का कि भाई आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करोगे तो उसमें होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एनर्जी लेंगे और बाहर निकल जाएंगे, उस लाइट की फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो उससे कोई अपने को लेना देना नहीं है। बट रियलिटी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब तक फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक उसमें से मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, आप चाहो जितनी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो। क्लियर है? थर्ड फेलियर ये था कि वेव थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर आने में कुछ टाइम लगेगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को एमिट होने में कोई टाइम नहीं लगता है, जैसे ही लाइट आती है इलेक्ट्रॉन्स तुरंत एमिट्स हो जाते हैं। तो ये था फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।